हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्या कि अपने फेशियल हेयर को हम नेचुरली कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन। तो आपको यहाँ पे ग्राम फ्लोर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पैराशूट ऑयल मिक्स किया है, जो नारियल का तेल होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चुटकी बस, जैसे कि 1/4 टेबलस्पून जैसे होता है, उससे आपको ये हल्दी ऐड करना है। और इसमें मैंने फिर रोज़ वाटर मिक्स किया है। रोज़ वाटर आप यहाँ पे ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए रोज़ वाटर को मिक्स किया है। और आपको एकदम भी थिक पेस्ट, मतलब उसको मिक्स करके एक थिक पेस्ट बनाना है, और ज़रा सा भी वो लूज़ ना हो और पतला ना हो, एकदम थिक रहना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैसा पेस्ट मतलब रेडी किया है। देखिए आप, पेस्ट जैसा कंसिस्टेंसी यहाँ पे थिक होनी चाहिए। और उसे आपको अपने मतलब फेस पे अप्लाई करना है। और आप मतलब कि अपने आईब्रोज जो होते हैं उनको छोड़कर आप अप्लाई कीजिए। जहाँ पे भी आपका हेयर ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अपर लिप्स की तरफ या अपने चीक्स की तरफ। और उसको जब आप अप्लाई करें, एक थिक पेस्ट की तरह ही अप्लाई करें। और जैसे कि आप आईब्रोज को छोड़ दें और आपके जो कान के पास जो हेयर होते हैं वो सब छोड़ दें, वरना वो सब भी आपका चला जाएगा। तो इसमें बताते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या और कैसे निकलेगा। बेसन आप जानते ही हैं स्क्रीन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे वो पैराशूट ऑयल, जो कोकोनट ऑयल है, वो क्या करता है कि हमारे हेयर ग्रोथ को कम करने में बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। और यहाँ पे हमने बेसन इसलिए यूज़ किया कि हमें जैसे कि जो हेयर ग्रोथ है उसे निकालने, मतलब हेल्प कैसे होगा उसे निकालने के लिए, तो बेसन से हमें हेल्प मिलेगी, बस और कुछ भी नहीं। और स्किन ब्राइटनिंग में बेसन बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है। और कोकोनट ऑयल जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो कोकोनट ऑयल ही है। और हल्दी तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट देता है हमारे स्किन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जितना थिक हो सके उतना ज़्यादा थिक लगाइए। और लेकिन इसको सूखने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, कभी कभी 1/2 आवर लग जाता है, कभी कभी 1.25 घंटा लग जाता है, क्योंकि जैसे कि ये थिक होता है तो उसे मतलब वैसे तो ये सूख जाता है नॉर्मली, बट जो थिक जो कंसिस्टेंसी हो जाता है उसके वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने देखा मैंने मतलब जितना हो सका मैंने थिक अप्लाई किया है। और जिस तरफ आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो आप उस तरफ ज़्यादा अप्लाई करें कि आपको मतलब निकालने में बहुत ही आसानी से आपका जो हेयर है वो निकल जाए। और मैंने यहाँ पे अपर लिप पे भी अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं मैंने आई एरिया को बिल्कुल भी छोड़ दिया और अपने आईब्रोज की एरिया को भी छोड़ दिया है। तो ये सूखने के बाद आप देख सकते हैं एक पापड़ के जैसे हो जाएगी। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही अच्छे से सूख गई है यहाँ पर। और अब आती है बारी कि ये हमारा मेन पार्ट कि हमें इसे निकालना कैसे है। तो लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमें निकालना कैसे है, तभी तो हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो कम होगा या हमारा जो हेयर होगा वो रिमूव होगा। तो आपका जो हेयर ग्रोथ जिस तरफ से है, यानी आपको सर्कुलर मोशन में आपको इसे रिमूव करना है। तो आपका हेयर ग्रोथ जिस तरफ से हो आप उसके उल्टे तरफ से आप अपना मतलब जो है धीरे धीरे करके उसे निकालने की कोशिश कीजिए। और पानी ज़रा सा भी यूज़ नहीं करना है। और इसको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है, और जैसे कि सूख गई है तो इसको निकालने में हल्का सा प्रॉब्लम होता है। बट आप जैसे जैसे इसे मतलब आप मूव कीजिएगा धीरे धीरे ये निकलती जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे मतलब निकाला है, आप देखिए। और अगर आप इसे अपने वीक में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपका हेयर ग्रोथ ज़रूर से कम हो जाएगा और आपका जो हेयर है वो धीरे धीरे निकलने भी लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने मतलब एकदम भी धीरे से निकाला है, ज़्यादा फोर्सफुली कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, 1 आवर तक, मतलब 1 आवर मतलब कम्प्लीट जो आपका जो ये पूरा है, जैसे कि लगाने के बाद इसे निकालने के बाद आपको पूरा 1 आवर लग ही जाएगा। तो इसे मैंने धीरे धीरे जहाँ भी मेरा हेयर ग्रोथ था वहाँ पर मैंने ज़्यादा फोकस किए और इसे धीरे धीरे निकाली है। और जब मैंने एक तरफ से मतलब कि आपको एक हाथ से निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उतना वक्त किसी के पास नहीं होता, तो मैंने अपने दोनों हाथों से देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। और जहाँ जहाँ जैसे कि हेयर ग्रोथ जहाँ होता है आप जैसे ही सब जानते हैं, तो वहीं पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और वहीं पर ज़्यादा टाइम दिया है कि निकल जाए आसानी से। और ये सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, स्किन को भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग बना देती है। क्योंकि आप अगर 1/2 आवर तक बेसन और हल्दी अपने स्किन पे लगाएंगे तो आपका स्किन पे बेनिफिट होगा ही और स्किन ग्लो करने ही लगता है।
और यहाँ पे जो मेरा मास्क था वो कुछ ज़्यादा ही सूख चुका था, इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसे निकालने में, क्योंकि हमें यहाँ पे पानी एक ज़रा भी यूज़ नहीं करना है, बस अपने जैसे ड्राई है सूखी हाथ है उसी से ही बस इसे मतलब कि मेल्ट करके निकालना है, और उसे धीरे धीरे हाथों की हेल्प से उसे निकालते जाना है मूव करके। तो आप देख सकते हैं आप फोरहेड में जो है वो मेरे वो कुछ पतला सा था तो वहाँ पे कुछ बहुत ही आसानी से निकल चुकी है, पर जहाँ पे मोटा लेयर होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो मेरा ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप मेरे वीडियो कर सकते हैं लाइक, और इस तरह की वीडियो अगर आपको और भी देखना है तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके पास में एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसमें हिट करके आप और में क्लिक कर दीजिए, तो जो भी मेरा मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ डालूँगी उसको आपका नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। तो गाइज़ मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, और याद से मेक श्योर आप मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टिल देन बाय।